सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका हूं कोविड लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज की वीडियो में लेकर आऊं रियलिस्टिक डिटेलिंग मॉड। और गाइस, इस मॉड को यूज करके अपने माइनक्राफ्ट की डिटेलिंग को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो और अपने माइनक्राफ्ट के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो चलो गाइस, मैं जल्दी सबको यहां पे शो कर देता हूं कि आप इस मॉड को यहां पे जैसे इंस्टॉल करते हो तो यहां पे आपको किस-किस टाइप की नई-नई टाइप की डिटेलिंग देखने को मिलेगी। और एट द एंड मैं आपको यह भी शो कर दूंगा कि आप इस मॉड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस, फर्स्ट यहां पे डिटेलिंग आपने देख ली, जो क्रॉप्स है ना उसके अंदर छोटे-छोटे फ्लावर्स आ चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक से लग रहे हैं और बहुत ज्यादा क्यूट से भी लग रहे हैं। मतलब फार्मिंग करने में अब तो सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और यहाँ पे कनेक्टेड डर्ट देखने को मिलेगी, यानी कि मतलब इन ग्रास ब्लॉक के नीचे आपको एक भी डर्ट का पार्टिकल देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे किसी ट्री को ढूंढते पहले तो, और यहाँ पे आपको एप्पल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो पहले तो इन ट्री के नीचे आपको फॉलिंग लीव्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि अभी थोड़ी देर में फॉल होना शुरू हो जाएंगे, दिख क्यों नहीं रही। हाँ, यहाँ पे देखो ट्री के लीव्स जो है वो गिरना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, यानी कि जो फॉलिंग लीव्स है ना वो बहुत ज्यादा तगड़े लग रहे हैं। और किसी किसी ट्री में आपको यहाँ पे एप्पल लटके हुए भी मिलेंगे जो कि नेचुरली ग्रो होते हैं। यहाँ पे कोई ग्रीन एप्पल मिलेगा, एक नॉर्मल एप्पल, और बहुत कम चांस है कि आपको यहाँ पे एक गोल्डन एप्पल भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। और गाइस, अगर आप इस मॉड को यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ढेर सारी डिटेलिंग देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आप अपना फ्लावर देख सकते हो जिसका नाम डैंडीलियन है, आई थिंक सो। यहाँ पे ये एक नहीं ढेर सारे डैंडीलियन हो चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा क्यूट से लग रहे हैं, और उसको मैंने क्रिएटिव में तोड़ दिया, इसलिए मेरे को मिला नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी नेचुरल चीजें हैं ना उनको मैं यहाँ पे क्रिएटिव में सारी की सारी चीजें ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ लीव्स भी ले लेते हैं, जो कि ये रहे हमारे स्प्रूस लीव्स, ओक लीव्स और बर्च लीव्स भी ले लेते हैं, और यहाँ पे थोड़े बहुत फ्लावर्स ले लेते हैं। वैसे गाइस, अगर आप इस मॉड को खुद से एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको और भी ज्यादा मजा आएंगे। वैसे नहीं तो मैं सब कुछ बता दूं तो मजा किस बात का। तो यहाँ पे शुगर केन ले लेते हैं, बैम्बू ले लेते हैं, शुगर केन, ये रहा हमारा शुगर केन। और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स भी मैंने ले लिए, और यहाँ पे चलो लीव्स को ला के देखते हैं। तो यहाँ पे आप लीव्स को देख सकते हो, एक तो आपको यहाँ पे राउंड लीव्स मिलेंगी जो कि थोड़ी बहुत राउंड टाइप देखने को मिलेंगी, मतलब आप दूर से पता कर सकते हो कि ये एक लीव है ये दूसरी लीव है, मतलब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। और एक यहाँ पे आपको बुशी लीव्स मिलेंगी जो कि आप देख सकते हो थोड़े बहुत इनके आर पार भी लीव्स देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो टाइम है ना वो नाइट होना शुरू हो गया था, तुमने उसको कर दिया डे, ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है ना एकदम अच्छे से आपको देखने को मिल जाए। और ये हमारे रेड ट्यूलिप फ्लावर जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और ये रहा एजर ब्लू एट, हाँ जो कि वो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये रहा एलियम, जो कि मैंने मतलब कभी फ्लावर्स के नेम पढ़े नहीं है, मतलब ये पहले तो नॉर्मली सिंगल लगते थे पर यहाँ पे अब डबल डबल लग रहे हैं। और ये रहा ब्लू ऑर्चिड, जो कि अब झुंड में और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये रहा हमारे पास लिली पैड, जिसको हमको ऑब्वियसली पानी के अंदर लगाना पड़ेगा, तो ये कि जो फार्म थे ना उसी के अंदर पानी में जाके लगा देते हैं। और मैं एक सही बात बताऊँ ना, ये जो फार्म्स है ना और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो लिली पैड भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स आ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको एकदम फ्री में उगाते हैं, मतलब फ्री स्पेस में। और यहाँ पर आप देख लो किसी किसी के ऊपर फ्लावर लगे तो किसी के ऊपर नहीं लगे, किसी के ऊपर पिंक फ्लावर लगे, किसी के ऊपर वाइट, और हो सकता है कि मतलब कोई के आसपास आपको छोटे छोटे फ्लावर देखने को मिल जाए, कोई कोई के आसपास आपको छोटे छोटे और भी लिली पैड देखने को मिल जाए जो कि आपको एकदम रियलिस्टिक फीलिंग देने वाले हैं। और यहाँ पे आप और भी फ्लावर्स देख सकते हो जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे आपको मैं क्या क्या दिखा देता हूँ, हाँ मैं आपको शुगर केन और कैक्टस जरूर दिखा पाऊंगा। तो ये हमारा शुगर केन, ये रहा बैम्बू, और बैम्बू का आपको एकदम 3D मॉडल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैम्बू कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब बैम्बू सॉरी शुगर केन है, ये शुगर केन एकदम कुछ ज्यादा रियलिस्टिक से लग रहे हैं। और यहाँ पे एक बार बैम्बू भी उगा देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो बैम्बू भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो एक कैक्टस, और कैक्टस भी देख सकते हो इसके आसपास लीव मतलब फ्लावर भी देखने को आपको मिल जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे किसी के ऊपर आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे तो किसी के ऊपर नहीं, जो कि एकदम नेचुरल फीलिंग आपको देने वाली है। तो चलो गाइस, मैं जल्दी सबको ये भी शो कर देता हूँ कि आप इस मॉड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 7 क्विट, और तो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर ही दिए, तो जल्दी जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आपके डाउनलोडिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने फाइल को टैप करना है, आपका माइनक्राफ्ट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पर अगर से कुछ नहीं हुए, कुछ एक्सटेंडिंग की दिक्कत पड़े, तो डोंट वरी, मैंने स्टूडियो बना रखी हो टू इंस्टॉल मॉड्स,
उसको आप जाकर देख सकते हो बड़ी आसानी से। आप भी मॉड्स इंस्टॉल करना सीख जाओगे और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपना माइनक्राफ्ट को ओपन करना है और यहाँ पे करनी है क्रिएट न्यू वर्ल्ड, या फिर आप इस मॉड को अपने प्री एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हो। तो आपको लिंक के अंदर तीन तीन लिंक मिल जाएगी, एक तो हो गया हमारा टेक्सचर पैक और एक हो गया रिसोर्स पैक और एक हो गया हमारा बिहेवियर पैक। और यहाँ पे आप एडवांस सेक्शन में रिसोर्स पैक में मिल जाएगा बेटर फॉलियज टेक्सचर, तो यहाँ पे आपके अचीवमेंट्स बनने होंगे अगर आप इसको नॉर्मल सिंगल यूज करते हो। और यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको बुशी लेव्स, राउंड लेव्स और फ्री मॉडल बुशी लेव्स और भी ढेर सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और एक रहेगा यहाँ पे आपको रिसोर्स पैक और बिहेवियर में भी यहाँ पर आपको उसको एक्टिवेट कर देना है। और यहाँ पे आपको गेम सेटिंग में स्क्रोल डाउन कर अपना हॉलीडे क्रिएटर फीचर, जिसको मैं करना भूल गया था, तो यहाँ पर आपको इसको चालू कर देना है। तो यहाँ पर मैंने गलती से कॉपी वर्ल्ड पे दबा दिया, तो कोई नहीं, यहाँ पे आपको इस एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले को चालू करना है। तो वापस मैं आपको एकदम अच्छे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा हमारा हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टम मैप्स और लास्टली एडिशनल मॉडिंग कैपेबिलिटीज, तीनों को बारी बारी करके टर्न ऑन करना है और अपनी वर्ल्ड को कर देना है क्रिएट। और जैसे अपनी वर्ल्ड को क्रिएट कर दोगे, मैं तो यहाँ पर अपनी आपको शो कर ही दिया कि आप इस मॉड को कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पर वो कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर ऑसम वीडियोस लाइक दिस। और मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।